गोरखपुर में आबकारी विभाग ने बृहस्पतिवार को एक ऐसे गिरोह का खुलासा किया है जो ब्रांडेड शराब की बोतलों के ढक्कन और बारकोड को अपनी फैक्ट्री में बनाकर नकली शराब बाजारों में बेचता था। यह गोरख धंधा पिछले कई महीनों से कैंट थाना क्षेत्र के बेतियाहाता मोहल्ले से संचालित किया जा रहा था। मुखबिर की सूचना पर आबकारी विभाग ने कार्रवाई करते हुए लगभग 50 लाख रुपए मूल्य के ब्रांडेड कंपनियों के ढक्कन और बारकोड वाले स्टिकर बरामद किए हैं। वहीं एक आरोपी को गिरफ्तार करने में सफलता भी मिली है। ये ट्रांसपोर्ट के मार्फत ये लोग मंगाते हैं, पूरी ट्रांसपोर्ट की देख रहे हैं ना, ये पैकिंग हम जा रहे हैं। सिटी वन संवाददाता से बात करते हुए आबकारी आयुक्त गोरखपुर मंडल आर के सिन्हा ने बताया, सूचना काफी दो तीन दिनों से मिल रही थी है कि नकली ढक्कन और रैपर और बारकोड लगाकर डुप्लीकेट बनाकर कुछ लोगों के द्वारा एक षड्यंत्र के तहत सप्लाई की जा रही है, जिस पर मुखबिर को सचेत किया गया और मुखबिर ने इस तरह की सूचना दी कि ये किसी के द्वारा डिमांड करने पर माल देता है। तो आज मोटरसाइकिल से टीम लगाई गई, चूँकि शंकरी रास्ते थे तो मोटरसाइकिल टीम लगाने के बाद एक पकड़ा गया माल सहित, तो उसकी निशानदेही पर कि वो कहाँ स्टॉक बना के रखा है, इसके बाद दबिश दी गई। तो ये बेतियाहाता का शायद मोहल्ला है, तो यहाँ से काफ़ी मात्रा में बरामदगी हुई है। सर क्या चीज़ की बरामदगी हुई है और कैसे ये लोग? ये ढक्कन है, रैपर है, बारकोड है, अंग्रेजी शराब की भी ढक्कन है, देसी शराब की भी ढक्कन है। तो ये लोग जैसे कोई खाली पौआ होता है उसमें आधी शराब आधी भर के इस तरह से वो तैयार करके वो देते हैं और उसके बीच रख के वो अपना बेचते हैं, जिसकी जांच कराई जा रही है अभी। इसकी जांच तो कितनी लागत होगी जो माल पकड़े गए? जो अगर ये माल तैयार हो जाता और ये माल अगर पैक्ड हो जाती तो 40-50 की है वो। कुछ लोगों की गिरफ्तारी भी? हाँ, गिरफ्तारी हुई है। एक आदमी